कटनी में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में रैली निकाली गई। संपूर्ण सनातन हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अमर्यादित टीका टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। कटनी में समस्त सनातनी सेना, हिंदू सेना, सत्य सनातन धर्म, साधु संत समाज के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी और हिंदूवादी संगठन शामिल हुए और अपनी चार सूत्री मांगों को रखते हुए कहा कि सनातन धर्म हिंदू धर्म को पाखंड मानने वाले और बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाखंडी बताने वाले श्याम मानव के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि सनातन धर्म के विरुद्ध कई साजिशें चल रही हैं, बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं एवं कोई भी अमर्यादित टीका टिप्पणी कर रहा है, जिससे समस्त हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। ऐसे धर्म विरोधी पाखंडियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि आज कटनी जिले में एक इतिहास रचा गया है, जो सनातन के समस्त हिंदू भाइयों के द्वारा, समस्त ऊर्जावान भाइयों के द्वारा आज हम सभी लोग देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया में या कभी भी किसी ने भी कुछ पोस्ट उठाई साधु संतों के खिलाफ, महंतों के खिलाफ या सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और दीपक ही ना रहा तो बाती का क्या करोगे, दीपक ही ना रहा तो बाती का क्या करोगे, और सनातन धर्म ही ना रहा तो जाति का क्या करोगे। गली गली और कूचे कूचे की माला जपते हैं हम सब हिंदुत्व के नाम की, गली गली और कूचे कूचे की माला जपते हैं हम सब हिंदुत्व के नाम की, और आज हम सब एक साथ एक मंच में न बैठ पाए तो जिंदगी है किस काम की। आज हम सब लोगों ने श्याम मानव के खिलाफ, और जिस प्रकार से आजकल एक सिस्टम बना जा रहा है कि जब भी कोई सनातन का झंडा ऊंचा करता है, जैसे हमारे परम पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा, आज पहले संत है जिन्होंने शुरुआत की है कि अपने मंच से लाखों के बीच में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है, और जो भटक गए थे रास्ता उन्हें रास्ता दिखाया है, मतलब किसी और को नहीं अपनों को रास्ता दिखाया है, और उनके ऊपर कार्रवाई करने वाला वो होता कौन है, दो कोड़ी का आदमी। अरे उसकी कठरी तो छोड़ो, ठटरी तो छोड़ो, उसकी क्या क्या बनेगी वो खुद देखेगा। सनातन धर्म से बड़ी कोई विरोध का कारण ये है, जैसे ही हमारे सनातन धर्म पे जगह जगह से लोग कुछ भी उंगली उठा देते हैं, हमारे साधु संतों के खिलाफ बोला जाता है। जरा सा भी अब सनातन धर्म ये कोई एक संगठन या एक जाति का काम नहीं है, ये पूरे सनातन हिंदू धर्म का काम है। जैसे हमारे बागेश्वर वाले बालाजी महाराज के ऊपर बातें उठी, हमारे रामचरितमानस के ऊपर बात उठी, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, डट के जवाब दिया जाएगा। आप एक बोलोगे तो हम चार बोलेंगे, और अगर मौका आने पे हुआ तो उग्र से उग्र आंदोलन की स्थिति बन रही है, जिसमें घर से निकाल के मारा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।